100% मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स। हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंगली न्यू सिलेबस, जो कि सेशन 2020 और 21 के लिए नया सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज की इस वीडियो में कॉन्सेप्ट विद रिविजन होगा सारे टॉपिक्स का। मैं बताऊंगी आपको क्या क्या टॉपिक्स आपको करने हैं और क्या नहीं करने हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास पहले 4 चैप्टर्स होते थे, अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या किया है, जो हमारे पहले 2 टॉपिक्स हैं जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, ये अब आपको सेशन 2020 और 21 के लिए आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और ये जो 2 टॉपिक्स थे, डिविजन एल्गोरिदम और फाइंडिंग अदर 2 जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, एक्चुअली ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट ये डिफिकल्ट होते थे, बच्चों को ज्यादा डिफिकल्ट लगते थे, तो सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया है। यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 थी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो सारी की सारी डिलीट हो गई है। आपको कोई भी इस तरह का कोई क्वेश्चन पेपर में अब नहीं आएगा। तो मेन फोकस अब ये 2 टॉपिक्स पे हो गया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स की रिविजन। सो चैप्टर 2 में सबसे पहले हमारे पास आता है जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 है, जिसमें आपको ग्राफ को देखकर बताना है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जीरोस, कि इस ग्राफ की कितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं। यहाँ पर मैंने 6 ग्राफ्स ड्रॉ करे हैं अलग अलग, तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने है, सिर्फ एक टिप याद रखना है आपको। वो क्या याद रखना है, जीरोस कौन सी काउंट करनी है आपने, जब कोई ये जो ग्राफ की जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये आपका जहां जहां पर एक्स एक्सिस पे ओनली क्या बोल रही हूँ, एक्स एक्सिस पे टच करेगा, वो जो पॉइंट है वो उसकी जीरोस होती हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, वो ज्यादा इजी समझ में आएगा। अब देखो इस फर्स्ट ग्राफ को चेक करो, ये फर्स्ट पार्ट को आपने चेक करा, ये जो लाइन है दिस इज पासिंग थ्रू द वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारी ये होती है और वाई एक्सिस हमारी ये होती है, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस पे कहीं पर टच कर रहा है, बट ये जो लाइन है किसी भी तरीके से एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी नंबर ऑफ जीरो जो है इस ग्राफ की क्या है, जीरो है, ठीक है, मतलब कोई जीरो नहीं है इसकी। अब नेक्स्ट इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो, इस ग्राफ में देखो ये एक जगह पे वाई पे टच कर रहा है और दूसरी जगह पे हमारे पास एक्स पे टच कर रहा है, तो हमने सिर्फ एक्स वाला ही कंसिडर करना है, मतलब इसकी कितनी जीरो है, 1-0 है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पे जहां जहां पर वो टच करेगा वो नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने काउंट कर लेने हैं, एंड दैट बिकम्स नंबर ऑफ जीरोस। अब थर्ड को देखिए, तो कहां कहां टच कर रहा है, एक यहां पर, 2 और 3, सो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 3 है। बहुत ही इजी होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आप इसको कर सकते हैं, बट ये टिप जरूरी आपने याद रखना है। अब देखो इस ग्राफ को, यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे, तो 2 आ गया। नेक्स्ट पे देखो, 1, 2, 3, 4, सो 4 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 4 है। देन अगेन दिस ग्राफ 1, 2, अब इसको नहीं काउंट करना, देखो यहाँ पर भी टच कर रहा था, बट हमने किसको लेना है, सिर्फ एक्स एक्सिस वाले को, सो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, यहाँ पर 3 है। सो इस तरह से आपने ग्राफ को देखते हुए आइडेंटिफाई करनी होती है नंबर ऑफ जीरोस। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे मूव ऑन करती हूँ। नेक्स्ट टाइप हमारी होती है इस तरह की, अगर आपको गिवन हो कोई भी एक जीरो दी हुई है पॉलीनोमियल की, जैसे इसमें 2 दे रखा है, तो अब सबसे पहले क्या देखेंगे, पॉलीनोमियल है पी ऑफ 2 निकालेंगे, मतलब जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, जो दिया होगा वही डालेंगे। अब यहाँ से 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 माइनस 5a, a की जगह पर आपने 2 नहीं डालना, क्योंकि a ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 × 4 विल बी इक्वल टू 16 प्लस 4 माइनस 5a, तो 16 प्लस 4 हो गया 20 और ये हो गया माइनस 5a। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर 2 जो है वो इसकी 0 है तो ये वाली साइड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो आप इस 5a को उठाकर इधर ला सकते हो, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई। तो इस सिंपल तरीके से आप किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ 2 and 3 आर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। अब आप देखो इस पॉलीनोमियल में, इस पॉलीनोमियल का नाम नहीं है, तो सबसे पहले अगर नाम नहीं है तो इसका नाम रखो,
3x square minus 2kx plus 2m. अब यहाँ पर देखिए दो अननोन वेरिएबल्स है k और m. अब यहाँ पर हमें जीरोस भी क्या दी हुई है, दो दी हुई है. दो अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए दो हमें अलग अलग जीरोस डालनी पड़ेगी, वहां से दो इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और k और m की वैल्यू को निकालेंगे. कैसे करेंगे, सबसे पहले कौन सी जीरो है, टू जीरो है तो मतलब टू को पुट करेंगे. टू को कैसे पुट करेंगे, थ्री इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू के ऐसे ही रहेगा, एक्स की जगह पर टू डालेंगे प्लस टू एम हो गया. ठीक है, फिर हो गया थ्री इंटू फोर ट्वेल्व माइनस फोर के प्लस टू एम और ये इधर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको. सॉल्व कैसे करेंगे, ये 4k और 2m जो है वो मैं इधर लेकर आ रही हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा और 12 को आप ऐसे ही रहने दीजिए. ये देखो आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से क्रिएट हो गई. ठीक है, सेम वे फॉर हम 3 के लिए पुट करेंगे. सो हम निकालेंगे p ऑफ 3, तो p ऑफ 3 निकालेंगे 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m. तो यहाँ से क्या आ गया, 3 इंटू 9 दैट इज 27 माइनस ये हो गया 6k प्लस 2m. अब ये 6k और 2m है जो वो हम इधर ले आएंगे, 6k माइनस 2m हो गया और 27 को उधर ही रहने देंगे. सो यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन क्रिएट होगी ये दोनों वेरिएबल्स में. अब इन दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए. तो अब यहाँ से यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ मैं यहाँ पर. अब आपके पास इक्वेशन है 4k माइनस 2m. अब यहाँ से 2m 2m सेम ही है, इक्वल्स टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन कॉपी कर ली. देन 6k माइनस 2m इक्वल्स टू 27, बट इनके साइन सेम है तो पहले मुझे साइन इनके चेंज करने पड़ेंगे ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो सके. ठीक है, 4k माइनस 6k माइनस 2k आ गया. देन वी हैव माइनस 15. ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, सो k की वैल्यू आ रही है आपके पास यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई 2. तो ये हो गई k की वैल्यू. इसको पॉइंट्स में आपने कन्वर्ट नहीं करना, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं. इसके बाद यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी डाल दीजिए, यहाँ पर या यहाँ पर आपकी मर्जी है. मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ 6 इंटू क्या करेंगे, k की वैल्यू डालेंगे 15 बाय 2 माइनस 2m इक्वल्स टू 27. तो ये 2 1 जा 2 3 जा कट गया, तो मेरे पास कितना बचा यहाँ से 45 माइनस 2m इक्वल्स टू 27. आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये जो 2m है उधर लेकर जा रही हूँ. ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 27 इधर आ जाएगा, 45 माइनस 27 हो गया और 2m मेरा उधर चला गया. माइनस करेंगे सो वी विल गेट 18 इक्वल्स टू 2m, तो m की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 9. तो वी आर गेटिंग m इक्वल्स टू 9 एंड k इज इक्वल्स टू 15 बाय 2. तो यहाँ से ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2 मार्क्स में आ जाते हैं और ये 2 टू 3 मार्क्स में क्वेश्चंस ये जो हैं वो आपको किसी भी पॉलीनोमियल के साथ, किसी भी जीरोस के साथ और कोई भी अननोन वेरिएबल की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए दिए जा सकते हैं. सो नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द डिग्री और किस तरह के टाइप ऑफ पॉलीनोमियल्स होते हैं. ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, आपको एमसीक्यूज में या 1 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं. सबसे पहले मैंने लिखा है फाइंड द डिग्री. डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की. अब जैसे आप देख सकते हैं ये पहला पॉलीनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल है वो कौन सा है, वाई है. ठीक है, अब उसकी हाईएस्ट पावर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 5 है. तो इसका मतलब है इस पॉलीनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, 5 है. बस आपने हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल को देखना है. ठीक है, अब यहां से देखिए इसमें भी वेरिएबल वाई है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है. सो आपके पास आंसर क्या आ गया, 4. इस तरह से आपने डिग्री को निकालना है. डेफिनेशन याद रखनी है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. जो भी वेरिएबल होगा, एक्स है तो एक्स को देख लीजिए, वाई है तो वाई को देख लीजिए, अगर और कोई है तो और कोई देख लीजिए. उसके बाद हमारे पास आता है टाइप ऑफ पॉलीनोमियल्स. तो किस तरह के टाइप, कितने पॉलीनोमियल्स होते हैं हमारे पास. लीनियर पॉलीनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. अब लीनियर पॉलीनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, मतलब उसके में जो डिग्री है. अब यहाँ पर मैंने 4 बोले हैं, फर्स्ट बोला है लीनियर, सेकेंड बोला है क्वाड्रेटिक, थर्ड बोला है मैंने क्यूबिक,
और फोर्थ बोला है मैंने बाई क्वाड्रेंटिक, ठीक है। तो आपने इसमें याद क्या रखना है, जो लीनियर के केस में उसकी वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी, वन होगी, मतलब जैसे वाई है या एक्स है सिंगल होगा। क्वाड्रेटिक में उसकी डिग्री टू होगी, क्यूबिक में उसकी डिग्री थ्री होगी और बाई क्वाड्रेटिक में उसकी डिग्री कितनी होगी, फोर होगी। इसके बेसिस पे, वेरिएबल की डिग्री के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। देखो फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट है हमारा एफ ऑफ पी, इसमें आप देखो वेरिएबल कौन सा है, पी है। पी की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, टू है। तो यहां से ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बस ये आइडेंटिफाई करके आपको बताना है। फिर उसके बाद ये कौन सा वेरिएबल है, वी वेरिएबल है इसमें, तो इसमें इसकी डिग्री कितनी है, फोर है। तो हमारे पास ये कौन सा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें ये एक्स वेरिएबल है, इसकी डिग्री कितनी है, थ्री है। सो वी हैव दिस एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आपको जस्ट ये याद रखना है और इसके बेसिस पे बताना है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर रही हूँ, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि आगे थे हमारे पास चार टॉपिक्स टोटल, उसमें से सीबीएसई ने दो तो पहले ही डिलीट कर दिए हैं, तो उसकी वजह से जो मेन फोकस है वो इस टॉपिक पे आपको देना है। तो इस टॉपिक में से आपको अब 70-80% जो क्वेश्चन है वो इसी में से आने वाली है इस चैप्टर के लिए। अब यहाँ से इसके लिए ये जो दो चीजें हैं वो पता होना बहुत जरूरी है, इसके बेसिस पे ही आपके क्वेश्चंस को सॉल्व होना है। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, दो तरह के पॉलिनोमियल्स की यहाँ पर मैं बात करूंगी। पहले मैंने इसकी लिखी है जनरल फॉर्म, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसकी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो ए बी सी है दे आर कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। यहां से इसकी क्यूबिक की डिग्री क्या होती है, थ्री, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्वाड्रेटिक में हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस कैसे निकालने हैं। अब मैंने सपोज सबसे पहले किया है अल्फा बीटा आर जीरोस, इसकी दो जीरो सपोज कर ली, अल्फा और बीटा, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जनरली यही लिए जाते हैं, तो यही ले रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ से सम ऑफ जीरो, सम का मतलब होता है प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है वो बनेगा, क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, बी का मतलब हो गया ये जो x का कोफिशियंट होगा आपकी जो इक्वेशन में x का कोफिशियंट होगा। एक एग्जांपल साथ में लिख कर देख लेते हैं, जैसे 3x plus 5x plus 4 लिखा, कोई भी क्वाड्रेटिक ले लिया मैंने, यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 3 है, b की वैल्यू 5 निकाली है, c की वैल्यू 4 निकाली है। अगर आपको जनरल फॉर्म नहीं पता होगी तो आप a b c की वैल्यूज को नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए जनरल फॉर्म का पता होना जरूरी होता है। अब यहाँ से देखो माइनस बी अपॉन ए, मतलब एक्स का कोफिशियंट था ये, तो माइनस बी अपॉन ए किसका कोफिशियंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, तो ये सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, इसमें सिर्फ दो ही फॉर्मूले होते हैं। क्यूबिक के केस में आप देख सकते हैं अगर उसकी डिग्री तीन है, अगर क्वाड्रेटिक में दो थी तो दो जीरोस होती हैं, क्यूबिक में तीन होती है तो तीन जीरोस होती हैं, तो उस केस में मैंने मान लिया अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। अब सबसे पहले सम ऑफ जीरो, सेम वे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सेम फॉर्मूला जो इसमें था हमारे पास, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो बी है दिस इज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और यहाँ जो b था इट इज कोफिशियंट ऑफ x, तो ये आपने जनरल फॉर्म के हिसाब से आपने इसको लिखना है, माइनस b अपॉन a हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू, जहां चेंज हो गया माइनस b अपॉन a हो गया, ये दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। b क्या है, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म है डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। उसके बाद एक और चीज होती है इसमें, सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन एट टू एट ए टाइम, मतलब अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा, दो दो करके लेने हैं आपने और उनका सम करना है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पॉजिटिव सी अपॉन ए, जिसमें जो सी है वो क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स है और ए जो है दैट इज कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब है। नीचे सबके ए ही आना है, ध्यान किस चीज का रखना है, नेगेटिव कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है।
तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो कोई भी वीडियो हमारा इस चैनल का मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि जो न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे।